हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष BA पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास में क्रम से आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। मार्क्सवादी विचार के अनुसार मनुष्य साधारणतः एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट और आर्थिक रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि किसी भी युग में जीविका उपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में वर्ग का जन्म उत्पादन के नवीन तरीकों के आधार पर होता है। जैसे ही भौतिक उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, वैसे ही नए वर्ग का उद्भव भी होता है। इस प्रकार एक समय की उत्पादन प्रणाली ही उस समय के वर्गों की प्रकृति को निश्चित करती है। आदिम समुदायों में कोई भी वर्ग नहीं होता और मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते थे। जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण बहुत कुछ समान था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से कर लेता था। दूसरे शब्दों में प्रकृति द्वारा जीवित रहने के साधनों का वितरण समान होने के कारण वर्ग का जन्म उस समय नहीं हुआ था, पर शीघ्र ही वितरण में भेद या अंतर आने लगा और उसी के साथ साथ समाज वर्गों में विभाजित हो गया। मार्क्स के अनुसार समाज स्वयं अपने को वर्गों में विभाजित हो गया। मार्क्स के अनुसार समाज स्वयं अपने को वर्गों में विभाजित कर लेता है। ये विभाजन धनी और निर्धन, शोषक और शोषित तथा शासक और शासित वर्गों में होता है। आधुनिक समाज में आय के साधन के आधार पर तीन महान वर्गों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें प्रथम वे हैं जो श्रम शक्ति के अधिकारी हैं, दूसरे वे हैं जो पूंजी के अधिकारी हैं और तीसरे वे जो जमींदार हैं। इन तीन वर्गों की आय के साधन क्रमशः मजदूरी, लाभ और लगान हैं। मजदूरी कमाने वाले मजदूर, पूंजीपति और जमींदार उत्पादन के पूंजीवादी तरीके पर आधारित आधुनिक समाज के तीन महान वर्ग हैं। आधुनिक युग में मार्क्स के अनुसार इन तीनों वर्गों का जन्म बड़े पैमाने पर पूंजीवादी उद्योग धंधों के पनपने के फलस्वरूप हुआ। पूंजीवादी क्रांति का यही प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वप्रमुख परिणाम है। एक राष्ट्र में औद्योगिक तथा श्रम विभाजन के फलस्वरूप सर्वप्रथम औद्योगिक तथा व्यावसायिक श्रम कृषि श्रम से और गांव शहर से पृथक हो जाता है। इसके फलस्वरूप अलग अलग स्वार्थ समूहों का भी जन्म होता है। श्रम विभाजन और भी अधिक विस्तृत रूप से लागू होने पर व्यावसायिक श्रम भी औद्योगिक श्रम से पृथक हो जाता है। साथ ही श्रम विभाजन के आधार पर ही उपयुक्त विभिन्न वर्गों में निश्चित प्रकार के श्रम में सहयोग करने वाले व्यक्तियों में भी विभिन्न प्रकार के विभाजन हो जाते हैं। इन विभिन्न समूहों की सापेक्षिक स्थिति कृषि उद्योग तथा वाणिज्य का वर्तमान स्तर व्यक्तियों के आपसी संबंधों को भी निश्चित करता है और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि वे व्यक्ति जो उत्पादन कार्य में क्रियाशील हुए हैं या हैं कुछ निश्चित सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों को स्थापित करते हैं। इस प्रकार वर्गों का जन्म जीविका उपार्जन के आर्थिक साधन के अनुरूप होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में लगे हुए व्यक्ति समूह में बढ़ जाते हैं। इस पर इन सब की एकमात्र पूंजी श्रम ही होती है और अपने श्रम को बेचकर ही वे अपना पेट पालते हैं। इस कारण उनको मेहनतकश या श्रमिक वर्ग कहा जाता है। इसके विपरीत समाज में एक वर्ग होता है जो पूंजी का अधिकारी होता है और वह उसी से अन्य लोगों के श्रम को खरीदता है। यही पूंजीपति वर्ग है। अतः मार्क्स का मत है कि मूल रूप से आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज के दो वर्ग प्रमुख होते हैं। उदाहरणार्थ दासत्व युग में दो वर्ग दास और उसके स्वामी थे। सामंत युग में दो प्रमुख वर्गों की सर्वप्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें से एक वर्ग के हाथों में आर्थिक उत्पादन के समस्त साधन केंद्रीकृत होते हैं,
जिनके बल पर यह वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता है, जबकि वास्तव में यह दूसरा वर्ग है आर्थिक वस्तुओं या मूल्यों को उत्पादन करता है। इससे इस शोषित वर्ग में असंतोष घर उत्पन्न हो जाता है और यह वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। धन्यवाद।